72 साल से यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर की करारदादें मौजूद हैं और एक नहीं दो दर्जन करारदादें हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम बड़ी पावर्स ने उस पर साइन किए हैं, आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उसका क्या हल किया जाए? बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अच्छा सवाल अपना, उसमें यह है कि अब यूएनओ के अंदर करारदादें मौजूद हैं और उस पर अमल दरामद नहीं है, अब आपके पास कोई ऐसा इदारा होना चाहिए कि जो यूएनओ की इस तर्ज अमल के ऊपर जो काउंटर करे, हैं आप उसके खिलाफ आप केस दायर करें, और वो इदारा क्या है? आलमी अदालत, वर्ल्ड कोर्ट। आप वर्ल्ड कोर्ट के अंदर यूएनओ के ऊपर केस करें, जैसे यहाँ दुनिया में होता है। एक आदमी जिसको इमिग्रेशन नहीं मिल रही और वो परेशान है, उसका जो है वो केस लड़ रहा है और इमिग्रेशन नहीं देती, तो क्या करता है? इमिग्रेशन पर केस करता है, इमिग्रेशन के साथ केस लड़ता है, और जज कल को फैसला कर देता है, इमिग्रेशन को पाबंद करता है, दे दो भी इसको ग्रीन कार्ड, है क्योंकि तुम लोग जुल्म कर रहे हो। तो लिहाजा यूएनओ के खिलाफ आप जो तपड़ पैदा करें अपने अंदर, आप वर्ल्ड कोर्ट के अंदर यूएनओ के खिलाफ जो केस दायर करें, और ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि यूएनओ जितना कमजोर है वो वर्ल्ड कोर्ट इतनी कमजोर नहीं है। वर्ल्ड कोर्ट एक फैसला करती है, आप वर्ल्ड कोर्ट के अंदर आपका वकीलों का पैनल उसको कायल करे, ये देखो दर्जनों हमारी करारदादे हैं और वहां 70 दिन हो गए, अभी तक कर्फ्यू उठा नहीं है, और करारदादों के बावजूद और यूएनओ के अंदर बड़े बड़े ममालिक साइन कर चुके हैं, लिहाजा आप बताएं हम क्या करें? आप वर्ल्ड कोर्ट के अंदर ये बात रखें, और वर्ल्ड कोर्ट आजाद है, वो आजाद है, आजाद मुल्क के अंदर है, स्विट्जरलैंड वैसे ही सबका आजाद मुल्क है, वहां बैठी है, और वो जिनेवा के अंदर बैठ के जब फैसला करेंगे तो ये अब पाबंद होगा यूएनओ कि वो आपकी उस क्यों अमल करवाए। उसका सिर्फ यही हाल है, आप वर्ल्ड कोर्ट के अंदर यूएनओ पर केस कर दें।